आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के साथ घरेलू T20 सीरीज खेलनी है। आपको बता दें कि 9 जून से 19 जून तक का 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे, जो कि दिल्ली, कटक, विशाखापट्टनम, राजकोट और बेंगलोर में होंगे। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इस सीरीज पर भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका टीम बायो बबल में नहीं रहेगी। ये बड़ा फैसला BCCI की तरफ से लिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ और मानसिकता पर ज़्यादा असर ना हो, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को ये बात की जानकारी दी है कि बायो बबल साउथ अफ्रीका और भारतीय सीरीज के बीच में नहीं होगा। ये सारा इस वजह से फैसला लिया गया है क्योंकि खिलाड़ियों की मानसिकता पर जोर ना पड़े। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक रहा और हालत नहीं बिगड़ी तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में बायो बबल और सख्त कोरोना के प्रोटोकॉल नहीं होंगे। इसके साथ साथ BCCI ने इस बात की भी जानकारी दी है कि इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर के दौरान भी बायो बबल नहीं होगा। खिलाड़ी लंबे समय से बायो बबल में है और इस वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर उनके असर पड़ता है। साथ ही साथ भारतीय टीम के खिलाड़ी भी चाहते हैं कि बायो बबल ना हो और इस वजह से इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर पर भी ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि तकरीबन इंग्लैंड के लिए 3 सप्ताह का टूर होगा, जिसमें एक टेस्ट मैच और 6 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। इसके अलावा आयरलैंड से भी मैचेस होने हैं और वहीं साउथ अफ्रीका से भी मैचेस होने हैं, जिसमें भी बायो बबल नहीं होगा। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।